साहिबगंज जिले में मदरसा शिक्षकों की बहाली में भ्रष्टाचार प्रयास का मामला प्रकाश में आया है, जिसका खुलासा पिछले दिनों साहिबगंज के राजस्थान हाई स्कूल में हुई चयनित परीक्षा में हुआ, जब उम्मीदवारों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा हॉल में ही हंगामा मचा दिया, परीक्षा पत्र और कॉपी को फाड़ दिया। ये मामला मंडलो प्रखंड के डोकाडेह मदरसे में शिक्षकों की बहाली का है, जिसमें उम्मीदवारों ने मदरसे के प्रबंधन कमेटी के सचिव पर 5 से 10 लाख रुपए लेकर अपने लोगों को पूर्व में ही चयन करने का आरोप लगाया और परीक्षा को केवल खानापूर्ति बताते हुए हंगामा किया। हालांकि इस हंगामे के बाद परीक्षा को प्रशासन द्वारा रद्द कर दिया गया, लेकिन जिस प्रकार से पैसे के लेन देन की बात सामने आई, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठी है। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा ने बताया कि डोकाडी ही मदरसे में शिक्षकों की बहाली चयन परीक्षा में हंगामा के कारण परीक्षा रद्द कर दी गयी है। कोई सुनवाई नहीं हुई, सिर्फ यही एक था, इसके अलावा कुछ नहीं था। हम लोग दो दिन के पास गए थे, वो ये कहा कि हम पागल हैं तो साइन करेंगे। हम लोग एक तरह दो दिन के पास आए थे मिलने के लिए, हम लोग के गांव के तालिबे से, ठीक है ना, उन्होंने कहा, साफ कहा था कि मैं साइन नहीं करूंगा, मैं पहले दो गाड़ी जाऊँगा, उसके बाद वहाँ पूछताछ करूँगा, उसके बाद मैं साइन करूँगा। और जो मान लीजिए 11 सीट है, अभी सिर्फ 4 सीट का बहाली कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा किला। हाँ, उसके बाद मतलब ये है कि लोबिन ने हम लोगों से ये कहा था कि बेटा तुम लोग जाओ, हम साइन नहीं करेंगे, ये कैंसिल रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वही लोबिन ने फिर बाद में वो साइन कर दिया, ठीक है ना। और वो लोबिन ने ये भी कहा था कि मैं पागल हूँ तो मैं साइन करूँगा। अभी हम लोग बाद में उसको फोन किए तो बोला सर कोई साइन कर है, 3 दिन करके दिया। अपना जो मेरा नाम मोहम्मद रफीक है और मैं जो मौलवी के सीट के लिए जो मैं अप्लाई कर चुका हूँ, और इससे पहले ये लोग मैं हमको भी खुद उसका मैं गवाह हूँ। ये लोग पहले 5 लाख उसके बाद फिर 10 लाख करके हमको मांगा था, घर भी बुला करके हम गरीब आदमी हम नहीं दे पाए। तो ये लोग जो है अपने इन लोग हमको बोल भी दिए बाद में कि हम तालेडीम जो मदरसा है उसमें गाँव के किसी को भी हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ अपने घर वालों को रखेंगे। और उसके अभी जो ये हो रहा है, ये लोग पहले से सेटिंग करके रखा है और ये लोग पहले उन लोगों को हम लोगों से कई गुना ज़्यादा पैसा ले चुका है। और इन लोगों का कहना कि सिर्फ हम लोगों के घर का रहेगा और ये लोग ले चुका है। आपके पास क्या प्रमाण है कि आपसे पैसा मांगा? ये लोग मैं खुद प्रमाण हूँ, मैं खुद गया था। रिकॉर्डिंग भी है उसका है, सब कुछ है। कौन मांगा था? मांगा था हमको सेलिंग प्रधान मौलवी, प्रधान जो मदरसा का प्रधान है, प्रिंसिपल है, वो हमको मांगा था। वाले कुछ कर रहे हैं, क्या नाम? हमें मालूम कुछ नहीं है, हम तो एकदम सही। कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? हम गोड्डा जिला से आए हैं। क्या नाम हुआ? अब्दुल हफीज। गोड्डा जिला कहाँ? बुआरी जो। क्या हुआ सर? हमें तो मालूम नहीं है, बस हमको अभी निकाल दिया गया, तोड़फोड़ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ओ, तो अभी एग्जाम होगा कि नहीं होगा? आप लोग जो जा रहे हैं? नहीं मालूम, हम लोगों को निकाल दिया गया बस। कौन निकाल? ओ, जो एग्जाम देने वाला वही लोग जी, वही लोग हैं और वही लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन जो दूर से आए हैं उन छात्रों को कुछ मालूम नहीं है। अच्छा। उनके गाँव ही वालों को मालूम है, पता नहीं क्या से क्या हुआ। अब हम लोग आए दूसरी जगह से, हमें मालूम नहीं है कि वो क्या रहा है, ठीक, उनकी फंस गए जी। चलिए, क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम अब्दुल महबूद फैजी है, मैं ग्राम डोकाडी से, डोकाडी प्रखंड मंडरो जिला साहिबगंज। मैं मौलवी में अप्लाई किया था, लेकिन पहले ही हम लोग को मालूम हो चुका था कि यहाँ पे सांठ गांठ चल रही है, इसलिए हम लोग डीसी ऑफिस में डीओ को और जो हमारे विधायक उनको ही बताया था, पहले अवगत किया था लोबिन हेब्रम साहब को, सबके पास हम लोग गए कि इस तरह चल रहा है, या तो इसको कैंसिल किया जाए। तो अब तक कैंसिल तो हुआ नहीं, अभी हम लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं यहाँ पर। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये कैंसिल हो जाए, चूँकि यहाँ पे मदरसे में 8-9 सीट है, ये लोग अपने मनमानी करते हुए ये लोग सिर्फ ये जो मदरसे का सेक्रेटरी है, प्रधानमंत्री है, अध्यक्ष है, ये लोग सब अपने ही घर का, सब अपने घर का, एक ही घर से सब लोग हैं, और ये लोग अपने टोन पर अपने बैठ करके बात करता है, और मतलब अपने ही परिवार में से कैंडिडेट को पहले से क्वेश्चन आउट करके ये लोग तैयारी करा के आया। कमेटी तो गाँव वाले बनाते हैं, कमेटी गाँव वाले बनाते हैं, लेकिन गाँव की कमेटी में से कुछ
सब बाहर के हैं, हमारे गांव से कमेटी नहीं है, वो लोग बाहर से अपने मन से बनाया है कमेटी और वो लोग अपना मनमानी कर रहा है। कमेटी में भी धंधली हुआ है जी, यहाँ तक के सदर जो है वहाँ उस मदरसे का, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का साहिबगंज का नहीं है बल्कि वो गुड्डा डिस्ट्रिक्ट में अभी जाके बसा हुआ, वहाँ से उनको पैसा सबसे 8-9 लाख सबसे मांग रहा है, रिकॉर्डिंग है हम लोग के पास, मांगा है उसका रिकॉर्ड है, अध्यक्ष मांगा, अध्यक्ष मांगा, मिल से मांग रहा है, क्या नाम है, ताहिर है, मोहम्मद ताहिर, मौलवी ताहिर, मौलवी ताहिर हुसैन। मेरा घर डोकाड़ी पड़ता है, प्रखंड मंडरो है, इससे कबल जब ये मदरसे का जब ये वैकेंसी निकाला, निकालने के बाद मतलब हम लोगों को खबर नहीं था, 3 तारीख को जब ये वैकेंसी निकाला, निकालने के बाद जब हम लोगों को 5-6 तारीख को जब ये खबर मिली, हम लोग डायरेक्टली जितने ही कैंडिडेट हैं हम लोग सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचे मदरसा में, उनसे हम लोग पूछे कि इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, आप ऐसे क्यों किए, जब गांव है, गांव का ये मदरसा है, गांव वालों को पहले मतलब खबर देना चाहिए और इसके बाद हम लोगों को खबर मिलता, इसके बारे में सोच विचार करके मतलब जो इसके बारे में आपको कुछ कदम उठाना चाहिए, इसको कैंसिल किया जाए, तो इसके वो हम लोगों को बोला कि गांव में हम बोल चुके हैं, वो कैक आदमी का 1-2-4 आदमी का नाम बताया, हम लोग बोले कि क्या गांव में यही लोग हैं और कोई नहीं है, बोला कि तुम लोग जो कुछ भी कर सकता है कर लो, मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाया, उखाड़ नहीं सकता। एक चीज़ बताइए, विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक करके ये चीज़ नहीं किया है? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अपना मनमानी किया, इसके लिए हम लोग बहुत मतलब जो है कोशिश किए, इधर उधर दौड़ना शुरू किए, विधायक के पास गए, DO के पास गए, और भी जगह जगह पर पहुँचे, लेकिन हम लोगों को किसी ने नहीं सुना, हम लोग विधायक जी से बार बार बोले कि इस बारे में मतलब जो आपको पता तक नहीं था तो आपको उसमें साइन नहीं करना है, उसमें आपको साइन नहीं करना, वो हम लोगों के सामने भी बोले कि हम इसमें हरगिज़ साइन नहीं करेंगे, जब तक मदरसा ताहिदुल इस्लाम डोकाडी का जांच पड़ताल ना हो जाए तब तक हम इसके बारे में मतलब जो साइन नहीं करेंगे, हम DO को वहाँ भेजेंगे जाँच पड़ताल के लिए, तब जा करके वहाँ बहाली होगी, लेकिन कुछ नहीं किया विधायक जी ने, कुछ नहीं किया, आखिर वक्त तक हम लोग फ़ोन करते रहे, रात को भी उनसे बात हुई, लेकिन वो यही बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा नाम है महबूब आलम अंसारी, मैं डोकाडी तालीडी से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं उस गांव के निवासी हूं, और अभी जो इंटरव्यू हो रहा मदरसा ताहिदुल इस्लाम मंडरो साहिबगंज, इसमें आज 29 तारीख में आज हमारा इंटरव्यू है हम लोगों का, तो हम लोग इसलिए इस बात को फॉलो और आगे हम लोग बताना चाह रहे हैं कि देखिए इसमें पूरा जो है सेटिंग है, और पहले ही से ये लोग पैसा हमको भी मांगा था, और मेरे पास सबूत है, रिकॉर्डिंग है, ये लोग 10-10 लाख करके हम लोगों को मांगा है, और गांव समाज में इसमें इस मदरसा में कोई हम लोगों को फ़ायदा नहीं पैसा है। पैसा किसने मांगा था? पैसा हमको मांगा है मदरसा के अध्यक्ष ने, उसका नाम है ताहिर, पूरा नाम मोहम्मद ताहिर अंसारी है, इन्होंने मुझसे पैसा मुतालबा किया, मैं नहीं दे सका, मैं गरीब आदमी हूँ, और पैसा लेके पहले ही से ये लोग हम लोगों को शो करवा रहा है, और इससे पहले भी गांव में इंटरव्यू हुआ है, लड़ाई हुई है, हम लोग इससे कैंसिल करवाए, इससे गांव समाज का कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय गांव में आपस में एक दूसरे का भाईचारगी आफत मतलब जो है एक दूसरे का बढ़ा हुआ है, यह हमसे इस मदरसा से कोई फ़ायदा नहीं है। और वो कौन सा कैंडिडेट को लिया है ये भी हमको मालूम है, वो कैंडिडेट का नाम है, एक का नाम है जो है वो अपना सेक्रेटरी का बेटा जो है समी को, अब्दुल समी को रखा है, दूसरा वो हाफिज़ के सीट में उसको रखा है, और इसी तरीके पर जो है जो ये है अध्यक्ष है वो भी अपना हाफिज़ का एक सीट है, आलिम का 2 सीट है, हाफिज़ का 1 सीट है, भाग ले रहे हैं, और हम लोग जो है हम तो आलिम में लिए हुए हैं, और हाफिज़ लोग भी है बहुत सारे, लेकिन उसमें सेटिंग है, और शुरू से इसे धांधली करते आ रहा है, तो मैं आप लोगों से यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इसको आगे करें और लोगों को बताएं ताकि सही। इस मामले में कभी आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से इससे पहले भी हम लोग जो लेटर दे चुके हैं वो लेटर हम लोग DC को भी दिए हैं, और इसमें जो है DO को भी दे चुके हैं, और भी हम लोग कागजात दे चुके हैं, विधायक को भी दे चुके हैं, काउंसिल में भी हम लोग बता चुके हैं इसके बारे में कि गांव समाज में इस तरह का हो रहा है। विधायक को भी डोकाडी मदरसा का एग्जाम राजस्थान इंटर महाविद्यालय में दिया गया था, और ये निर्धारित रहती है पहले से ही जैक से, और उनके द्वारा प्रतिनियोजित एक्सपर्ट भी रहते हैं एग्जाम को देखने के लिए, व्यवस्था तो सारी अच्छी थी, लेकिन आपसी जो रंजिश है या क्या गड़बड़ी है इसके तहत परीक्षा को बाधित किया गया है, क्वेश्चन फाड़ दिया गया है, तो परीक्षा तो रद्द हो ही गई है, और इसमें जो विभिन्न तरह की बात अफवाह हो रही है कि गलत तरीके से
एग्ज़ाम का मतलब है कि इसमें गलत क्या, जो एग्ज़ाम के तहत जो पास होंगे कैंडिडेट उसी का पैनल बनता है, उसी का मेरिट बनता है, उसी के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे पूर्ण की जाती है। तो ये प्रक्रिया तो अपूर्ण रह गई। अब होने से लोग जो इस तरह के प्रतिवाद डालते हैं वो तो सभी मदरसा के प्रति डालते ही हैं, जिसका नहीं होता है किसी कारण से वो तो डालेंगे ही। तो मैं इसकी समीक्षा भी करता हूँ और फिर बात करता हूँ और देख करके जो उचित होगा इस पर कार्रवाई। मंत्री जी, कमेटी भंग करने की शायद कोई बात कहें? नहीं, कमेटी भंग हो जाएगी अगर इस तरह के अफवाह या इस तरह का प्रमाद आया है तो। कमेटी रहने लायक विश्वास योग्य नहीं है, उसको रद्द किया जाएगा जी। लेकिन ये प्रक्रिया जो है सो बैठक प्रबंध समिति के निर्णय के आलोक में जैक से ही उसको अनुमोदन होता है, हम भेजते हैं यहाँ से जी। तो फिर अगर आएगा प्रपोजल तो फिर नई कमेटी गठन होगी, जैसा आदेश विभाग का होगा उस तरह से। साहिबगंज से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।